दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब? इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है। आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से हमास के आतंकवादियों ने इसराइल में घुस करके वहां के नागरिकों की हत्या की, महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। अभी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार हमास के आतंकवादियों ने करीब 100 बच्चों को पकड़ के उनकी नृशंस हत्या कर दी, गला काट के। और महिलाओं के बारे में क्या ही कहा जाए, महिलाओं के जो वीडियोज़ आए थे वो आप सभी ने देखे होंगे कि किस प्रकार से इसराइल की महिलाओं को पकड़ करके उन्हें मारा गया, उनके मृत शरीर को नग्न करके उसकी प्रदर्शनी पूरे फिलिस्तीन में घुमाई गई। लेकिन ये सब कुछ जब इसराइल में हो रहा था तो भारत में काफ़ी शांति थी। भारत में कोई भी पार्टी का नेता इसके विषय में बात नहीं कर रहा था, कोई भी ट्वीट नहीं कर रहा था। मोदी जी का जरूर ट्वीट आया था कि हम जो है इसराइल के साथ खड़े हैं और इस आतंकवादी घटना की निंदा करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल शांत थी और लगातार विजुअल्स आ रहे थे कि किस प्रकार से हमास के आतंकवादी इसराइल में घुसे हुए हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, नागरिकों को मार रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना कोई ट्वीट आया था ना कोई बयान आया था। लेकिन जब इसराइल रिटेलिएट करना शुरू करता है, वो भी इस बात को समझता है, उसको थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब वो रिटेलिएट करना शुरू करता है तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट आता है कि हम इस आतंकवादी घटना की निंदा करते हैं, लेकिन अब जो ये युद्ध तुरंत रुकना चाहिए, अब इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता था कि हमास वाले आतंकवादियों ने जो करना था वो तो उन्होंने कर लिया, अब जो इसराइल रिटेलिएट करेगा तो वो बहुत ही हिंसक होगा, बहुत ही विध्वंसक होगा और वो पूरा बदला लेगा। तो कांग्रेस पार्टी जो है तुरंत इस बात को लेकर ट्वीट करती है, अपनी चिंता जाहिर करती है। लेकिन इसके बाद जो है बातें और आगे बढ़ती हैं, इसराइल जो है रिटेलिएट करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के अनुसार जो है इसराइल की सेना ने 1500 हमास के आतंकवादियों को मार गिराया है। और ये जो रिपोर्ट है, ये जो 1500 आतंकवादी मारे गए हैं, ये इसराइल के अंदर की जो रिपोर्ट है वहाँ की घटना है कि मतलब जो आतंकवादी फिलिस्तीन से इसराइल में घुस गए थे, वहाँ के नागरिकों और बच्चों को मार रहे थे, उनको इसराइल की सेना ने मारा है। 1500 अभी तक का जो आंकड़ा आया है। और उसके बाद इसराइल की सेना ने जो फिलिस्तीन में जो बम गिराए हैं, गाजा में जो बम गिराए हैं, उसके क्या आंकड़े हैं वो भी अभी नहीं आए हैं। 100-200 के आंकड़े जो हैं वो बताए जाते हैं। लेकिन जब ऐसा होने लगता है, इसराइल का जो रिटेलिएशन है वो काफ़ी फियर्स हो जाता है, तब कांग्रेस पार्टी छटपटाने लगती है, उसे लगता है कि अब क्या करें। और दूसरी तरफ मोदी जी ने तो इसराइल के पक्ष में ट्वीट किया था कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, उसके बाद मोदी जी दोबारा ट्वीट कर देते हैं कि जो है इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमें फ़ोन किया था और स्थिति के बारे में हमें बताया था। तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर मुझे लगता है उनके जो सपोर्टर हैं, उनका जहां से उन्हें सपोर्ट आता है, उन प्रेशर आया होगा। तो कांग्रेस पार्टी का चीफ वर्किंग कमेटी की बैठक होती है जिसमें यह वो रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हम जो है फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन को आत्मसम्मान का पूरा अधिकार है, फिलिस्तीन को अपनी संप्रभुता का पूरा अधिकार है। लेकिन इस पूरे रेजोल्यूशन में, इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी कांग्रेस पार्टी इस विषय में नहीं बात करती किस प्रकार से हमास के आतंकवादियों ने इसराइल पे हमला किया था, इसकी बात करनी चाहिए थी। और किसी भी व्यक्ति से यदि आप पूछेंगे तो वो इस बात को मानेगा कि हमास के आतंकवादियों ने जो घटना की, जिस प्रकार से महिलाओं और बच्चों को मारा, वो बीभत्स थी, उसकी कोई भी आलोचना करेगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि भारत में जो भी विपक्षी पार्टियां हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो TMC ही क्यों ना हो, कोई भी जो है वो हमास के साथ नहीं है, फिलिस्तीन के समर्थन में किसी ने भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, चूँकि उसका पूरा एक वोट बैंक है, पूरा समर्थन है और जिस प्रकार के इनका इतिहास रहा है, तो कांग्रेस पार्टी खुल के इनके समर्थन में आ गई है। और ये जो मोदी जी ने जो एक ट्वीट किया इसराइल के समर्थन में, यहीं से पूरा गेम चेंज हो गया। क्योंकि इससे पहले जो भारत का स्टैंड था इसराइल और फिलिस्तीन के प्रति, वो मैं आपको बताता हूँ क्या स्टैंड था। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से जो पैलेस्टीन स्टेट था उसको दो भागों में विभाजित किया जाना था, एक भाग बनता इसराइल, दूसरा बनता पैलेस्टीन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जब वोटिंग हुई तो भारत ने इसराइल के बनने के विरोध में वोटिंग की थी। उसके बाद जब फिलिस्तीन बन जाता है, फिलिस्तीन में जो वहाँ जिसके हाथों में सत्ता रहती है, जो उसके राष्ट्रपति रहते हैं यासिर अराफात, वो घोषणा करते हैं कि फिलिस्तीन जो है स्वतंत्र देश है, तो सबसे पहले जो उसको मान्यता देता है वो भारत होता है।
1974 में इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी। मतलब कोई भी अरब देश जो है, चाहे वो सऊदी अरब हो, ईरान हो, इराक हो, पाकिस्तान हो, ये सब पीछे रह जाते हैं। सबसे पहले मान्यता देने वाले देश में जो है, सबसे पहले उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने वाले देशों में जो है भारत होता है। और भारत में ही जो इंदिरा गांधी थी, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे यासिर अराफात, वैसे तो वो एक आतंकवादी था, 103 देशों ने उसे आतंकवादी घोषित कर रखा था। उसने कई सारे जो विमान होते हैं, उड़ान होती हैं, उनको हाईजैक करके बम विस्फोट करवाया था। कई जगह पूरे इसराइल में आतंकवादी घटनाएं की थी उसके लोगों ने, जिसमें म्यूनिच में जो आतंकवादी घटना हुई थी, जिसमें इसराइल के 11 खिलाड़ी मारे गए थे, उसमें भी यासिर अराफात का नाम था। उसी यासिर अराफात को इंदिरा गांधी जो है नेहरू सम्मान से सम्मानित करती हैं। उसके बाद उनके पुत्र आते हैं राजीव गांधी, तो वो उनको इंदिरा गांधी का शांति पुरस्कार देते हैं। और राजीव गांधी ने उसे जो है यासिर अराफात को बोइंग जो एक विमान होता है वो भी दे रखा था पूरे विश्व में घूमने के लिए। तो इस प्रकार की नीति जो है कांग्रेस की शुरू से रही है फिलिस्तीन के प्रति। फिलिस्तीन के प्रति हमेशा से भारत का जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं बहुत सॉफ्ट रही हैं। बल्कि जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति यासिर अराफात थे, वो हमेशा से कश्मीर को पाकिस्तान का अंग बताते रहे। कश्मीर मुद्दे पे हमेशा भारत का विरोध जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में करते रहे, और जितने भी अरब देश लोग थे ये करते थे। लेकिन भारत को, चाहे इंदिरा गांधी हो, पता नहीं उनकी मुस्लिम तुष्टिकरण थी क्या थी, उस बात को लेके वो लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में थी, यासिर अराफात के लेके समर्थन में थी। वो तो बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है, तो पहले बार जो है उस समय जो इसराइल के राष्ट्रपति थे एरियल शरोन, वो भारत में आते हैं, और उस समय भी उनका बड़ा विरोध होता है कांग्रेस पार्टी द्वारा, जो मैनेज करके उनका विरोध कराया जाता है। लेकिन वो आते हैं और थोड़े थोड़े जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बढ़ने लगते हैं, और जो मिलिट्री हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी सारे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आजकल एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि वो जो है फिलिस्तीन के समर्थक में ही थे। तो वो बातें थी, उतना खुल के इसराइल के समर्थन में अभी कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद जब से मोदी जी सत्ता में आते हैं, तो वो खुल के इसराइल का समर्थन करते हैं, और पहले प्रधानमंत्री भी बनते हैं जो इसराइल जाते हैं, और पहले ऐसे मतलब भारत से कोई बनते हैं जो इसराइल जाते हैं और फिलिस्तीन नहीं जाते। क्योंकि उससे पहले भारत से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी मंत्री होता था, यदि वो इसराइल जाता था तो फिलिस्तीन भी जाता था। ये नियम था कि आप यदि इसराइल जा रहे हैं तो फिलिस्तीन भी जा रहे हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से संबंध थे, कि इसराइल को तो हमने काफ़ी समय तक मान्यता ही नहीं दी, उसके साथ जो डिप्लोमेटिक संबंध होने चाहिए वो 1990 तक हमने संबंध नहीं रखे। इसराइल ने हमारे साथ संबंध रखे थे, लेकिन हम संबंध रखने के लिए तैयार नहीं थे। जबकि 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो इसराइल ने हमें सहयोग किया था, हर प्रकार से हमें इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराई थी, हमें हथियारों से सपोर्ट किया था, लेकिन हम उसके साथ किसी प्रकार का जो है डिप्लोमेटिक संबंध नहीं रखना चाहते थे। 1999 में जो भारत पाकिस्तान का जो कारगिल में युद्ध होता है, तो उसमें भी इसराइल ने हमें सपोर्ट किया था, लेकिन उस प्रकार से जिस प्रकार से हमें इसराइल का समर्थन करना चाहिए था हम नहीं कर रहे थे। बल्कि जो उस फिलिस्तीन का हम समर्थन कर रहे थे, जो कि कश्मीर के मुद्दे पे भारत को हमेशा विरोध करते रहता था, और हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी वोटिंग होती थी इसराइल के विरोध में ही भारत वोटिंग करता रहा था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद, जैसा मैंने बताया, सारी चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। और अब जो हमास के आतंकवादियों ने इसराइल पे हमला किया, उसके बाद मोदी जी ने जिस प्रकार ट्वीट किया, कहीं भी उसमें फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ भी नहीं कहा, केवल ये कहा कि हम इस आतंकवादी घटना की निंदा करते हैं, जिस प्रकार से महिलाओं बच्चों को मारा गया उसकी निंदा करते हैं, और हम इसराइल के साथ खड़े हैं। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा परिवर्तन था भारत के अप्रोच में, क्योंकि इस प्रकार से भारत की जो अभी तक छवि थी मोदी जी के आने से पहले, या इस मामले से पहले भारत की जो छवि थी, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी इस प्रकार का विवाद होता था तो भारत जल्दी से कोई साइड नहीं लेता था कि हम इसकी साइड हैं या उसकी साइड है। लेकिन इसराइल में जब ये घटना हो रही थी, तो 3-4 घंटों के अंदर मोदी जी का स्टैंड आता है क्लियर। मतलब विश्व के अन्य देश, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश पीछे रह जाते हैं इसराइल के समर्थन में खड़े होने का बयान या ट्वीट करने के बाद। अब भले अमेरिका वाले, ब्रिटेन वाले अब ट्वीट कर रहे हैं, निक्की हेली जो अमेरिका की राष्ट्रपति पद की दावेदार है, वो तो करेंगे फिनिश देम ऑफ, ख़त्म कर दो सबको। ब्रिटेन का जो ऋषि सुनक है वो भी कह रहे हैं, बिडेन कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो है। लेकिन भारत ने जिस प्रकार से इस मामले में पहल की, वो पूरा जो
खेल वहां से बदल गया। और इसके बाद जब मोदी जी ने जब क्लियर स्टैंड ले लिया तो कांग्रेस के समर्थकों पे भी दबाव आया होगा कि मोदी जी तो खुल के इसराइल के साथ हैं, आप किस आधार पे हमास को आतंकवादी कह रहे हो। तब कांग्रेस पार्टी ने जब अपना चीफ जो उनका वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई उसमें रेजोल्यूशन पास किया कि हम जो हैं पूरी तरह से फिलिस्तीनियों के साथ हैं, उसमें कहीं भी आतंकवादी घटना का जिक्र नहीं आया। लेकिन ये जो बात है भारत के समाज में भी जा रही है, भारत के लोग भी इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और भारत में 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मिजोरम में और तेलंगाना में। वहाँ के लोग भी इस बात को देख रहे हैं और क्यों समर्थन कर रहे हैं फिलिस्तीन का, क्यों समर्थन जो मुस्लिम समर्थन कर रहे हैं भारत में फिलिस्तीन का क्यों समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो इसीलिए समर्थन किया उस पूरे की हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं क्योंकि उसे मुसलमानों को वोट चाहिए, तुष्टिकरण की राजनीति जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन भारत के मुसलमान फिलिस्तीन का समर्थन क्यों करते हैं, तो एक वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक चैनल है द राजधर्मा, उसने जो वीडियो किया है मुसलमानों से जाके वो पूछ रहा है, पहले वो वीडियो देखिए, इसलिए समर्थन कर रहे हैं वो। आप किसके साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन की इजराइल? आप किसके साथ? फिलिस्तीन के। हम तो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? हमारे मियां भाई है, मियां भाई है हमारे, मुसलमान है मियां भाई है। होते बच्चों को कत्ल कर रहे थे, कराएंगे क्या? मरने के लिए पैदा हो, जीने के लिए पैदा नहीं होता, दुनिया में रहने के लिए नहीं पैदा होता, अल्लाह के लिए शहीद होने के लिए पैदा हो। वहाँ बच्चा, वहाँ बच्चा गुल्ली डंडा नहीं खेलता, क्रिकेट नहीं खेलता, वहाँ बच्चा शहीद शहीद खेलता है कि शहीद कौन होगा, शहीद कौन होगा। तो इस वीडियो में आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से मुस्लिम बोल रहे हैं कि वो हमारे मियाँ भाई है, इसलिए हम उस बात का समर्थन करते हैं, इसलिए हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। मतलब मुस्लिम है तो आप समर्थन करेंगे, मतलब जब कभी युद्ध की स्थिति आएगी भारत पाकिस्तान में, पाकिस्तान भी तो आपके मियाँ भाई हैं, बांग्लादेश भी तो आपके मियाँ भाई हैं, तो क्या आप पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, क्या आप बांग्लादेश का समर्थन करेंगे क्योंकि वो आपके मियाँ भाई हैं? मतलब देश से पहले मजहब आ गया है। जबकि इसराइल का समर्थन इसलिए करना चाहिए कि वो हमारा मित्र देश है। 1971 में, 1999 में और 2019 में जब भारत ने पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक की, तो जो हमको बम जो है वो इसराइल से ही मिले थे, वो इसराइल के ही बम थे, तो इसराइल का समर्थन होना चाहिए था। लेकिन समर्थन किसका हो रहा है? समर्थन हो रहा है फिलिस्तीन का। तो क्या जब भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश से युद्ध होगा तो ये जो मियाँ भाई लोग हैं जो मजहब को पहले लेके चल रहे हैं वो पाकिस्तान या बांग्लादेश का समर्थन करेंगे? तो देश की जनता इस बात को देख रही है, सभी सनातनी इस बात को देख रहे हैं और इस बात का चुनाव पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। और जहां तक समर्थन की बात है कि क्या मुस्लिम समर्थन करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे, पाकिस्तान का समर्थन करते भी रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि हमने तो स्वतंत्रता की लड़ाई में अंग्रेजों के विरुद्ध हम लोग साथ साथ लड़े थे, वो गलत बात कहते हैं। वो इसलिए लड़ रहे थे कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत के काफ़ी सारे भूभाग पे, चाहे वो दिल्ली हो चाहे बंगाल हो, वहाँ पे मुसलमानों का शासन था। अंग्रेज आए तो इनका शासन समाप्त हो गया, तो वही सपना देख रहे थे कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो हमारा शासन दोबारा लौटेगा। उस बात के लिए लड़ाई कर रहे थे। एक तरफ भारत जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, दूसरी तरफ भारत के मुसलमान जो है खिलाफत आंदोलन कर रहे थे कि जो टर्की का खलीफा है उसके विरुद्ध ब्रिटेन जो है अन्याय न करे, वहाँ के खलीफा को सम्मान दे। मतलब ये लड़ाई जो है स्वतंत्रता की नहीं लड़ रहे थे, ये लड़ाई जो है खलीफा के लिए लड़ रहे थे। एक तरफ भारत में जो ये सब हो रहा था, मालाबार में ये हिंदुओं का नरसंहार कर रहे थे, बाद में वामपंथी इतिहासकारों ने, जिहादी इतिहासकारों ने उसको जो है कहा कि उन्होंने तो सत्ता के विरुद्ध जो है विरोध किया था, वहाँ के लोगों के विरुद्ध, मतलब जो जमींदार वर्ग है उसके प्रति विद्रोह किया था, लेकिन वो हिंदुओं का नरसंहार था मालाबार में। और सब जगह ये वही कर रहे थे, ये भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ ही नहीं रहे थे, ये जो है विरोध कर रहे थे, अपने हितों को लेकर लड़ रहे थे, चाहे वो खिलाफत आंदोलन हो, चाहे मालाबार में हिंदुओं का नरसंहार हो, मतलब हर जगह। और यही इनका प्रयास था कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो हमारा शासन होगा। और हुआ भी, इतना बड़ा भूभाग भारत का इनको मिल गया पाकिस्तान के रूप में, बांग्लादेश के रूप में, जो ये चाहते थे कि हमारा शासन हो। यदि पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बनता तो जो छोटे छोटे टुच्चे से लोग थे जो आर्मी में बहुत छोटे रैंक पे थे, वो पाकिस्तान के फिर राष्ट्रपति के पदों तक पहुँचे, वहाँ के जो सेना के अध्यक्ष पदों तक पहुँचे, यदि वो नहीं बनता तो वो बन नहीं पाते। तो उनका प्रमुख उद्देश्य यही था कि हम जो हैं एक तरह से हमारा शासन हो जाएगा, इस्लाम का शासन हो जाएगा। तो ये बात है, ये स्वतंत्रता की लड़ाई ये लोग नहीं लड़ रहे थे। लेकिन जहाँ तक बात है चुनाव की, तो ये बातें जो जाएंगी मध्य प्रदेश की जनता भी देखेगी, राजस्थान की जनता और तेलंगाना की जनता भी देख रही है। और सबसे अधिक इन सब चीज़ों का प्रभाव वहाँ पड़ेगा
जहाँ पे इन मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है, क्योंकि यहाँ वहाँ भी ये अधिक उद्दंडता करते हैं फिलिस्तीन के समर्थन पे। मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, अभी जो ईद उल मिलादुन नबी ऐसा कुछ उनका जो त्यौहार होता है, मोहम्मद का जो बर्थडे होता है, उसमें एक सीरियल है इर्तुगुल करके, उसमें कुछ इस्लामी आक्रांता हैं उनका प्रदर्शनी निकाल रहे थे, उनसे इनका क्या संबंध है, लेकिन उनकी प्रदर्शनी ये लोग निकाल रहे थे। तो ये जहाँ पे अधिक संख्या में होंगे वहाँ उद्दंडता भी करते हैं। अभी जिस प्रकार से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों ने, वहाँ के कुछ क्या मतलब सैकड़ों छात्र थे, उन्होंने जिस प्रकार से फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली, तो देश के हिंदू भी तो इस बात को देख रहे हैं, सनातनी भी इस बात को देख रहे हैं। और जो इसराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भारत को फ़ोन करके, मोदी जी को इसीलिए फ़ोन करके बधाई दी, इसीलिए हर बात का अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि भारत का लोगों का जो समर्थन है इसराइल के प्रति वो अभूतपूर्व है। इस बात को समझिए कि इसराइल एक छोटा सा देश है, बहुत अधिक जनसंख्या उनकी नहीं है, विशेष करके यहूदियों की बहुत अधिक नहीं है, और मुसलमानों का तो 56 देश हैं। तो जब इस प्रकार का नैरेटिव बनाने की बात आती है, तो ये जो 56 देश हैं उनके मुसलमान तो अंधे हो के हमारे मियाँ भाई हैं करके आतंकवादियों का ही समर्थन करेंगे, लेकिन इन यहूदियों का कौन समर्थन करेगा? और ये लोग कितने ट्विटर पे एक्टिव हैं, ये लोग तो अधिकतर युद्ध लड़ने में हैं, क्योंकि अभी जब बेंजामिन नेतन्याहू ने आह्वान किया था तो साढ़े जो इनके रिजर्व सैनिक होते हैं, क्योंकि सभी को वहाँ सैनिक की ट्रेनिंग मिलती है, तो सभी जो है लगभग 3.5 लाख जो रिजर्व वाले थे वो आ गए हैं सामने, जिसमें इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। तो वो लोग इन सब चीज़ों में व्यस्त हैं, उनके पास इतना समय नहीं कि ट्विटर पे जो है ट्वीट करें, नैरेटिव बनाएं। तो उसमें भारतवासियों ने, सनातनियों ने बड़ा विशेष योगदान दिया, और इसलिए भारत की स्थिति जो बहुत मजबूत है, और इसलिए वो जो है बेंजामिन नेतन्याहू मोदी को फ़ोन करके परिस्थितियों के बारे में बता रहे हैं, इसराइल के जितने भी जो भी लोग हैं, जो भी मोसाद है या फिर जो भी उनकी सरकार है, लगातार ट्विटर पर भारतीयों को जो है धन्यवाद बोल रही है। तो ये भारतवासियों का है, और सनातनी जो है इसराइल के ही पक्ष में है, भले ही भारत की सरकारें शुरू से ही पक्ष में रही हों फिलिस्तीन के। 2009 में एक यहाँ पे सर्वे भी हुआ था, ये उसमें भी ये बात निकल के आई थी कि भारत के 60% लोग जिनका मतलब सर्वे हुआ था इसराइल के पक्ष में है, मतलब एक बहुत बड़ी बात थी, अन्य किसी भी विदेशी सरकार के विदेश से किसी अन्य देश के प्रति सबसे अधिक मार्जिन जो है इसराइल के लिए ही भारत के लोगों का था, तो एक बहुत बड़ी बात वो निकल के आई थी। तो भारत के लोग इसराइल के पक्ष में हैं, और जिस प्रकार का नैरेटिव है कि सभी भारत के लोग जानते हैं कि किस प्रकार इसराइल को भी वहाँ पे रहने का अधिकार है, उनके पूर्वजों की भूमि है, पूरे विश्व में वहाँ से जब वो भगा दिए गए, सताए गए, हिटलर द्वारा मारे गए, तब वो अपने भूमि पे वापस आए, तो उन्हें वहाँ रहने का अधिकार है, ये बात सभी सनातनी जान रहे हैं, सभी भारतीय जान रहे हैं, इसलिए वो इसराइल का समर्थन कर रहे हैं, और कोई भी हमास का समर्थन नहीं कर रहा है, और जो समर्थन भी करता होगा या इस बात को नहीं भी मानता होगा वो भी हमास का समर्थन इसलिए नहीं करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से तस्वीरें आई हैं कि महिलाओं को नग्न करके उनकी प्रदर्शनी लगाई जा रही है, तो कोई भी समर्थन नहीं कर रहा। इवन अखिलेश यादव तक का ट्वीट जो है फिलिस्तीन के समर्थन में नहीं है। और जो नैरेटिव की बात है, तो इसराइल के पास जो है अमेरिका जैसे देशों का पूरा समर्थन है, इसलिए नैरेटिव में इसराइल जीत पा रहा है, संख्या कम होने के बावजूद भी, नहीं तो 56 देश जिधर चाहते उधर घुमा देते। लेकिन चूंकि अमेरिका का जो मीडिया है और उधर का पश्चिमी जो मीडिया, भारत के लोग भी जो है इसराइल के समर्थन में, तो इसलिए इसराइल जो है इस समय थोड़ी मजबूत स्थिति में है, नहीं तो इसराइल पे हमला भी होता और इसराइल को लोग बुरा भला भी कहते। जिस प्रकार भारत में कहा जाता था कि भारत में कोई भी आतंकवादी हमला होता तो कोई भी पश्चिम के देश मानते नहीं थे कि वो तो भारत का इंटरनल मैटर है, भारत का लॉ एंड ऑर्डर वो संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब जो है पश्चिमी देशों को भी ये बात समझ में आ रही है। और जहाँ तक बात है, जो लोग कहते हैं कि इसराइल जो है अग्रेसर है, वो आक्रमणकारी है, 1948 में तो फिलिस्तीन बहुत बड़ा देश था, धीरे धीरे जो है यहूदियों ने कब्जा कर लिया, तो इस बात को मैं ऐसे देखता हूँ कि पुराने समय से देखना चाहिए। जिस प्रकार से यदि मैं एक उदाहरण दूँ, ज्ञानवापी जो अभी है बनारस में, जो ज्ञानवापी परिसर है, पहले वो हिंदुओं का मंदिर था, वो मंदिर को वो ऊपर आपने गुंबद बना दी, तो यदि भविष्य में इसे बम लगा के उड़ा दिया जाता है या जो गुंबद है उसे तोड़ के इसे ज्ञानवापी मंदिर घोषित किया जाता है, तो मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। हाँ, हिंदुओं में कुछ सेकुलर लोगों को दुख होगा, जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं उनको भी दुख होगा कि यार मस्जिद को क्यों तोड़ दिया, लेकिन इस बात को यदि आप समझेंगे कि वो मंदिर ही था,
अब मस्जिद में पूजा हो रही है, पिछले 50-60 वर्षों से नमाज पढ़ रहे थे, इसका मतलब वो नहीं कि मस्जिद हो गया। तो ठीक वही स्थिति जो है इज़राइल की है कि वो भूमि उनकी थी, वो भगा दिए गए, आप वहाँ बस गए अरब वाले लोग, मुस्लिम लोग, तो वो अपनी भूमि पे वापस आएंगे, उनको कहीं शरण नहीं मिल रहा, उनको जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो वहीं आएंगे। तो इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूँ, इसलिए भारत के अधिकतर नागरिक उनका समर्थन करते हैं। और चुनाव में ये बातें बहुत ज़ोर शोर से उठाई जाएंगी कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है आतंकवादियों के साथ है और इन मुसलमान आतंकवादियों के साथ है। मुस्लिम इसलिए समर्थन करें कि वो मियाँ भाई हैं, तो वो आतंकवादियों का भी समर्थन करेंगे। आप देख ही रहे होंगे किस प्रकार से अभी श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तो उसमें हैदराबाद में, तो उसमें जो है वहाँ पे पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे क्योंकि वो मुस्लिम हैं, मियाँ भाई हैं। तो ये बात जनता के बीच में जाएगी, इस बातों को उठाया जाएगा। और जो कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, तो बीजेपी नहीं करती है, कांग्रेस वाले ही मुस्लिम मुस्लिम करते हैं, यही बात है। आप सभी को कैसा लगा? यदि आप सभी को मेरी बातें सही लगी तो कमेंट करके बताइए कि आप सभी का क्या कहना है इस विषय पे। चैनल पे यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।